के बाद बढ़ते हैं आगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल फरवरी में होने हैं, लेकिन बीजेपी अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली बीजेपी की कोर कमेटी के प्रभारियों की बैठक राजस्थान के रणथंभौर में होगी, जिसको लेकर बीजेपी और आरएसएस के नेता जुटे हैं और 2 दिनों तक दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल फरवरी में होने हैं, लेकिन बीजेपी अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली बीजेपी की कोर कमेटी के प्रभारियों की बैठक राजस्थान के रणथंभौर में होगी, जिसको लेकर बीजेपी और आरएसएस के नेता जुटे हैं और 2 दिनों तक दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। राजस्थान के रणथंभौर में दिल्ली बीजेपी और आरएसएस के नेताओं का जुटने का मकसद दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मंथन करना है। बीजेपी आरएसएस की बैठक में दिल्ली बीजेपी और सांसदों का पहुंचना जारी है। इस बैठक में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंच रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रभावी रणनीति पर विचार किया जाएगा। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करने के बाद अब बीजेपी की नजरें दिल्ली विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी प्रकार की रिस्क लेने के मूड में नहीं है, लिहाजा बीजेपी आम आदमी पार्टी के दिल्ली में चल रही 10 साल पुरानी सरकार की खामियां गिनाने के अलावा दिल्ली वालों के सामने अपनी चुनावी रणनीति के साथ जाना चाहती है। इसलिए बीजेपी की इस चिंतन बैठक में आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1998 से ही दिल्ली की सत्ता से बाहर बीजेपी अपनी खामियों और दिल्ली सरकार की कमजोरियों को लेकर मजबूत रणनीति के साथ सामने आना चाहती है। देखिए, हर पार्टी चुनाव से पहले अपनी रणनीति बनाने की बात करती है, अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की बात करती है, और यह जो हमारे वरिष्ठ नेताओं की चिंतन बैठक हो रही है, ये उसी प्रक्रिया का भाग है और सामान्यता हर पार्टी में होता है, वही हमारे यहाँ हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 2 दिनों तक चलने वाली बीजेपी की चिंतन बैठक में होने वाले गहन मंथन के बाद उम्मीद है कि पार्टी के नेता आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली वालों के लिए जो अमृत निकालेंगे, उससे दिल्ली वाले ही नहीं बल्कि पार्टी को भी नई ऊर्जा और ताकत मिल सकती है। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी।